नमस्कार, कोसी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं वाणी। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे कोसी एक्सप्रेस के रिपोर्टर पूर्णिया के कई जगहों का जायजा लिया। इसी दरमियान इंदिरा गांधी स्टेडियम में खास मुलाकात हुई हमारे जाने माने जॉर्ज विशाल सर से, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया और अपनी जिंदगी का एक नए मुकाम पर खड़ा किया, और उन्होंने आज के युवाओं के लिए कई प्रेरणादायक बातें कही। तो चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अच्छे दोस्त हैं लेकिन मैंने उनको दिया, तो ये कहीं ना कहीं कि आपको स्किल्स अलग अलग आपको डेवलप करना पड़ेगा अदर देन योर मेन स्किल्स, क्योंकि लाइफ में किस समय कौन सिचुएशन आएगा आप नहीं जानते। जब अमेरिका जैसा कंट्री जब वो डिप्रेशन के कारण है ना, उन लोगों को प्रॉब्लम हो सका, तो हम लोग तो इंडियंस हैं है ना, तो इन सारी चीज़ों का लेकर के। और युवा लोग कहीं ना कहीं जिधर चले जाएँ वो बाढ़ का पानी होता है, वो अपना रास्ता तय कर लेते हैं, ठीक है ना। तो निराश नहीं होना है और प्रयास करें कि अपने से अच्छे लोगों के बीच में रहें, और आप ऐसे पांच आदमी के साथ में रहें जो आपको, जिससे आपको सीखने का मौका मिले। हो सकता है वो कोई फैक्ट्री का ऑनर है, हो सकता है वो कोई ऑफिसर हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा विचारक हो, सकता है कुछ नया चीज़ को स्टार्टअप है वो, जब आप उसे सीखेंगे उन सारी चीज़ों को, ठीक है। नेगेटिव चीज़ लोगों से भी बचें, नेगेटिव माहौल से बचें, जहाँ पर आपको लगता है नेगेटिव माहौल है वहाँ से दूर रहें, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, पांच ऐसे लोगों के साथ में रहें जिनसे आप जिंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे एक सर बोलते थे कि आप यू आर द टोटल सम ऑफ द पीपल, फाइव पीपल होम यू स्पेंड टाइम विद मोस्टली, राइट। तो आप जिनके साथ में ज़्यादा समय बिताते हैं आपका नेचर कहीं ना कहीं आप उनसे भी लेते हैं, तो यही सब चीज़ है। तो इसीलिए और स्वामी विवेकानंद की बुक्स पढ़ें, मैं उनका बुक को पढ़ता हूँ बहुत। मुझे हिंदुस्तान में स्वामी विवेकानंद साहब और डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की बुक जैसे विंग्स ऑफ फायर वगैरह हैं, ये सब पढ़ना चाहिए। हमारा युवा सब तो आजकल पबजी में ज़्यादा बिजी है, हमारा युवा तो आप ही जान रहे हैं कि इधर उधर चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहता है, ठीक है। और ये जो अभी जो 20 से 30 साल का जो उम्र होता है युवाओं का, एक बहुत ज़बरदस्त उम्र होता है। इस समय आप जिंदगी को मौज में बर्बाद कर सकते हैं, या अभी कुछ सीख करके कुछ चीज़ों में आप अच्छे टैलेंट स्किल्स में इन्वेस्ट कर करके आप उससे पैसे कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, इनफैक्ट अपने घर को चला सकते हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब भी दे सकते हैं।